दोस्तों आज 14 दिसंबर हो चुकी है, तो हमारी जो है ये वाइन के पौधे, ठीक है, काफ़ी अब ग्रो कर चुके हैं। तो अब आके भी इसके कुछ बीज जो हैं जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, मगर ये दो पौधे जो हैं इन्होंने अपनी जर्मिनेशन तकरीबन 15 से 20 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी और अब ये काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। अभी थोड़ा मज़ीद ये बड़े होंगे, फिर हम इन्हें इनके सस्पेक्टेड जो इनका एरिया है वहाँ इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये एक पूरी लेंथ की आपके साथ वीडियो बना दूँ, मगर अभी सर्दियों के दिन शुरू होने वाले हैं तो मे भी ये पौधे मुरझा जाएँ कुछ देर के लिए, या फिर मर भी सकते हैं, मगर हम भी देखेंगे। अगर ना मुरझाए तो मैं इस वीडियो को इसी तरह शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, मगर फ़िलहाल के लिए ये रिज़ल्ट जा रहा है हमारी बटरफ्लाई पी की जो बेल है उसका। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास 2 मार्च 2023 हो चुका है। तो हमारे जो पुराने थे हमारे पौधे बटरफ्लाई पी के, वो मर चुके हैं। अब उनकी जगह नए नीचे से निकल आए हैं, क्योंकि कुछ बीज जो थे हमारे जर्मिनेट हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। तो आज देखते हैं, अब मौसम आ चुका है इन बीजों के जर्मिनेट होने का और इनसे पौधे बनने का। तो देखें आपके सामने है, पुराने पौधे जो हैं हमारे बने थे वो मर चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं, और अब उनकी जगह ये नए नए जो पौधे हैं ये खिल चुके हैं। तो हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं, ये थोड़े बड़े होंगे फिर हम इनको इनकी जगह पे शिफ्ट करेंगे। और जो हमारी बड़ी बेल थी नीचे, उसके भी अब ढेर सारी फलियाँ लगी थी जो कि अब सूख चुकी हैं और उसमें से भी बीज बन चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको जब शिफ्ट करेंगे उसी दिन इसकी मैं वीडियो मज़ीद बना के इसको आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखें, ये दो पौधे ये हैं, एक ये और एक ये भरा सा। तो मिलते हैं आपसे कुछ दिन बाद, जब मज़ीद बड़े हो जाते हैं तो पुरानी बेल के भी हम बीज निकालेंगे, उन्हें भी लगा देंगे उसी गमले में और इनको भी वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे कुछ दिन बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 3 मार्च हो चुकी है। ये देखें हमारे जो हैं बटरफ्लाई पी के बीज जो हैं सूख गए हैं, इनको हम जल्दी से उतार के ऊपर ले जाते हैं फलियों को, तो फिर आपको मैं इनको लगा के दिखाता हूँ। कुछ बीज जो है मैंने इधर ऑलरेडी अंदर ऐड कर दिए हैं खोल के फलियाँ, तो देखेंगे वो कितने दिनों में निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम ऊपर आ गए हैं, ठीक है। ये मैं बीज जो हैं सीड पॉट हैं ये मैं उतार लाया हूँ, और वो हमारे पीछे वाले पिछले साल को जो बीज लगाए थे, सर्दियाँ आ गई थी वो रुक गए थे और अब वो निकल आए हैं। तो अभी हम इससे जल्दी से इसके अंदर से काले काले सीड निकलेंगे बड़े प्यारे से। ये देखें ये इजीली खुल जाते हैं, और ये घूम रही थी पूरी, और अब बीज जो हम बिखर गए हैं ये देखें। इनको मैं पहले उठाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं बीज सारे निकाल लेता हूँ, फिर आपके साथ मैं ना इसको शेयर करता हूँ। तो फिर हम देखते हैं इनको हमने कहाँ लगाना है, मेरे पास स्पेस ज़रा भी नहीं है, मैं बस जगह जगह लगा दूंगा इन्हें, बाद में हम इनको सेपरेट करते रहेंगे या इनको देखते हैं जैसे चल सकते हैं वहीं चलते रहें। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक, मैं इनको पहले खाली कर लूँ। तो दोस्तों मैंने बीज निकाल लिए, इसमें कुछ ब्लैक बीज भी हैं और उसके अलावा इसमें कुछ ब्राउन बीज भी हैं। तो जो ब्लैक वाले हैं वो उगने के चांस हैं उनके, ये जो ब्राउन हैं आपको नज़र आ रहे ये तकरीबन ख़राब हो गए बीज हैं, या तो ये सही डेवलप नहीं हुए तो ये नहीं उगेंगे। मगर जो काले हैं हमारे पास ज़्यादा हैं, तो उम्मीद है हमारे ढेर सारे पौधे इससे बन सकते हैं। तो अब सोचना ये है कि इनको मैं लगाऊँ किधर, और मैं सोच रहा हूँ कि इनको मैं वापस जगह जगह पौधों में लगा दूँ ताकि इनकी बेलें बन जाएँ और हमारा घर बस प्यारा लगे। तो चलें, कुछ मैं इनके वापस इसकी मदर प्लांट में लगा देता हूँ, कुछ अपने नीचे वाले टेरेस में। तो दोस्तों ये मेरी पर्दा बेल लगी हुई है, तो इस बाल्टी के अंदर मिट्टी ही मिट्टी है, तो मैं कुछ बीज जो हैं इधर डाल देता हूँ। ये खुद ही यहाँ पे अभी बारिशों का जब सीज़न आएगा ना, ये खुद ही यहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे, और यहाँ पे हमारी बेल ही बेल हो जाएगी। अब हम चलते हैं नीचे। तो दोस्तों ये इसका मदर प्लांट है जहाँ से मैंने इसकी फलियाँ उतारी थी, तो हम कुछ बीज इसके अंदर ही वापस डाल देंगे।
ताकि ये यहीं से अपनी जर्मिनेशन दोबारा से स्टार्ट कर लें। कुछ हम इधर डाल देते हैं, कुछ हम इधर। ये जो हमारा एक 18 इंच वाला गमला पड़ा हुआ जिसमें जामुन भी लगे हुए हैं और ये स्पाइडर प्लांट भी लगा हुआ है, स्नेक प्लांट जिसे कहते हैं, तो हम इसी में डाल देते हैं। तो देखेंगे क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि अगर बरसात का मौसम भी शुरू होना है तो ये बहुत प्यारा यहाँ पे एक ग्रीन सा एरिया बन जाएगा जो कि हमारे लिए अच्छा लगेगा इधर पूरा, जिसको हम बाद में चाहें तो इस जगह भी कर सकते हैं। तो इधर ग्रीनरी ज़्यादा हो जाएगी इस पूरे एरिया में। तो दोस्तों ये जो है ना, इन तीनों का मैं आपको बाद में रिज़ल्ट दिखाऊंगा जब इनको हम शिफ्ट करेंगे और वो वाले पौधे भी निकल चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इनको अब एज़ अ मल्चर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।